फ्रेंड्स वेलकम बैक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ फिर से आपका दोस्त NAF क्रिएटिव। सो आज हम लोग प्राइमरी प्रो में हाईलाइट कैसे करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसमें कैसे हाईलाइट करेंगे वो सीखने वाले। सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया में जा कर राइट क्लिक करते हुए इंपोर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस भी कर सकते हैं शॉर्टकट। सिंपली मैं एक यहाँ पे जितना भी ये वीडियो है मेरा यूट्यूब का ही है, सो मैं सिंपली द ब्रेव गोर का चूज कर रहा हूँ। सिंपली इसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड डाउन करने वाला हूँ। आप लोग को मैं इजी वे से सिखाने वाला, कोई भी डिफिकल्ट वो ऐसा नहीं सिखाऊंगा। दूसरा चैनल पे बहुत घुमा फिरा के लंबे लंबे वीडियो डालते हैं, वो ऐसा नहीं करूँगा मैं सिंपली। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेलेक्ट करने के बाद दोनों सेलेक्ट हो रहा है, सो इसको अलग करने के लिए अनलिंक कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए अलग हो रहा है। और हम लोग को आप लोग को पहले डिसाइड करना है कि कहाँ पे फोकस देना है। इसके लिए मैं सिंपली थोड़ा सा स्पेस एरिया बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे फोकस देना है जो रेड है यहाँ पे। सो सिंपली मैं इस लेयर को ही कट कर देता हूँ। कीबोर्ड में सी प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद बी प्रेस करते हुए अल्ट को होल्ड करते हुए आप ऊपर ले लीजिए, लेयर कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइमलाइन को और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हम लोग को इसमें और करना पड़ेगा। सो सिंपली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और देख लीजिए। अभी यहाँ पे बहुत ट्रिक वाला एक आइडिया है और कुछ भी इफेक्ट डालना नहीं पड़ेगा आप लोग को, सिर्फ लेयर सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, आप लोग देखेंगे बहुत ट्रिक वाला एक आइडिया है और कुछ भी इफेक्ट डालना नहीं पड़ेगा आप लोग को, सिर्फ लेयर सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, आप लोग देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल में, अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आपका विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल है, वहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे जाइए, ओपासिटी दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा ओपासिटी डाउन कर दीजिए इसका, थोड़ा सा ओपासिटी 60% रख लीजिए, 63% कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेयर पे जाएंगे और फर्स्ट लेयर पे क्या करना है हम लोग को, सिंपली यहाँ पे दिख रहा है आपको टूल्स दिख रहा है, रेक्टेंगल मास्किंग टूल पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जाना है, मैंने बोला था डिस्ट्रिक्ट में, सो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए अभी आ चुका है यहाँ पे। सो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे और ये देख लीजिए हाईलाइट हो रहा है। सिंपली कुछ भी नहीं करना है और आप लोग को कितना तक, मतलब हाईलाइट को छोड़ के आप लोग को बैकग्राउंड को कितना तक डिम दिखाना है आप लोग को डिसाइड करना है। सो सिंपली फिर से मैं लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा और इसका अपासिटी डाउन कर रहा हूँ, बहुत डाउन हो गया, ब्लैक पूरा डाउन करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, सिंपली इतना तक ठीक रहेगा। सो उसके बाद फिर से हम लोग फर्स्ट लेयर पे वो डुप्लीकेट लेयर पे जाएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ओपासिटी 100% रखना ही पड़ेगा। आपको फैदर कितना अप्लाई करना है यहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं। फैदर मतलब जूम, मतलब इन्वर्ट जूम कर सकते हैं इसमें, इन्वर्ट जूम आउटसाइड जूम ऐसा कर सकते हैं। देख लीजिए अभी मैं माइनस पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को छोटा चीज़ को फोकस दिखाना है। सो और एक और बात, आप यहाँ पे इसको एनिमेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद। यहाँ पे मेक श्योर आपको यहाँ पे पाथ मार्क्स पे करने के बाद आप इसको कहीं पे भी ड्रैग एंड डाउन कर सकते हैं। सो सिंपली मैं इसमें एनिमेशन नहीं करने वाला हूँ, मेक श्योर नया वीडियो में मैं एनिमेशन करके भी दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, सिंपली ये हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग वीडियो ऑन करके देखते हैं एक बार, सिंपली वीडियो ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे फोकस जा रहा है, देख लीजिए। अगर आप लोग को एंड करना है तो यहाँ पे जाके, अगर मतलब यहाँ पे वो खत्म हो रहा है आप लोग का लिए, मतलब फोकस लेयर खत्म हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग को ओपासिटी किस में था फर्स्ट लेयर में, सो इसमें जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक और यहाँ पे चेक कर दीजिए और यहाँ से जाने के बाद देख सकते हैं, यहाँ तक आने तक फोकस रहना है। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 100% कर देते हैं तो सिंपली हट जाएगा, आप अभी ऑन करके देख सकते हैं। देख लीजिए अभी सिंपली पूरा हट चुका है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है।
और मेक श्योर अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना।